कुतुब मीनार को निर्माण कुशलता का एक नायाब नमूना भी कहा जाता है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में किया था। आज भी इसे निर्माण कुशलता का एक जीता जागता नमूना कहा जाता है। 1505 ईस्वी में एक भयंकर भूकंप से यह लगभग तबाह हो गई थी, लेकिन इसकी मरम्मत कराई गई जिससे यह दोबारा ठीक ठाक हो गई। 1803 ईस्वी में भी एक और भयंकर भूकंप ने इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और इसकी दोबारा मरम्मत की गई। अगर आज आप इसे देखने के लिए जाएंगे तो आपको इसके अंदर और ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि इसके दरवाज़ों को सरकारी तौर पर ही बंद कर दिया गया है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया है, आइए जानते हैं। दरअसल कुतुब मीनार लगभग 900 साल पुरानी है और इसे देखने आए कई लोगों ने यह दावा किया कि इसके आसपास किसी के पास होने का एहसास होता है। रात के समय में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने इस जगह पर अनजान शक्तियों के होने का दावा किया था। साल 1984 के पहले कुतुब मीनार के अंदर और अंदर की सीढ़ियों से ऊपर जाने दिया जाता था, लेकिन 4 दिसंबर 1984 को कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण इसके दरवाज़ों को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। दरअसल 4 दिसंबर 1984 के दिन करीब 400 लोग इसके अंदर थे और सीढ़ियों के जरिए इसके ऊपर चढ़ रहे थे। इसमें से ज़्यादातर स्कूल के बच्चे थे। इसके अंदर की सीढ़ियाँ इतनी छोटी है कि एक समय पर कोई एक ऊपर या नीचे जा सकता है। इसकी इतनी ऊंचाई होने के कारण इसमें कुल 379 सीढ़ियाँ भी है। इसके अंदर रोशनी का भी कोई बाहरी स्रोत नहीं था, सिर्फ बिजली के बल्ब लगाए गए थे। लेकिन अचानक ही बिजली बंद हो गई। पूरे अंधेरे में सभी लोग डर गए और नीचे की तरफ भागने लगे। सीढ़ियाँ छोटी होने के कारण जल्दी से इससे उतरा भी नहीं जा सकता था। इस भगदड़ में 45 लोगों की मौत हो गई, जिसमें ज़्यादातर बच्चे थे। तभी से कुतुब मीनार के अंदर जाना बंद कर दिया गया। इसे जब भी खोलने पर विचार किया गया, कोई ना कोई हादसा हुआ, इसलिए इसे सरकारी तौर पर भी बंद कर दिया गया। आज भी यहाँ रात के समय पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा की गई रिसर्च में यही पाया गया कि कुछ अजीब सा एहसास इस मीनार के आसपास होता है। उनका तो यह भी कहना है कि उन मृत लोगों की आत्मा आज भी इस जगह के आसपास एक हल्का सा एहसास देती है। कुछ लोग जो इस हादसे से पहले कुतुब मीनार के अंदर जा चुके हैं, उनका भी कहना है कि इस मीनार के अंदर इस हादसे से पहले भी कुछ ऐसा एहसास हुआ करता था। और आप अकेले भी अंदर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई और भी आपके साथ चल रहा है। वहाँ के प्रशासन का आज भी कहना है कि इसके अंदर किसी तरह की सेफ्टी नहीं है, इसलिए इसे बंद रखना ही आखिरी उपाय है। तो अंत में हमारे मन में भी यही सवाल उठता है कि आखिर कुतुब मीनार के अंदर वह एहसास क्या है जो हमेशा आपके साथ चलता है, और क्या सच में इसी कारण कुतुब मीनार के दरवाज़ों को बंद किया गया है। इस सब को देखकर तो हमें भी यही लगता है कि कुछ सवालों का जवाब ना ही मिले उसी में सबकी भलाई होती है।